सोफी जी मेरे पास पेट्रोल भी है, कुछ ही देर में ये कमरा गुब्बारे की तरह फटने वाला है। अब सवाल ये है कि तुम उस कुत्ते दवाबाज के साथ बिहार आना पसंद करोगी या बाहर जाना? बोले आप मुझे वो रोबोट देंगी ना? वही बातें, मैं नहीं जानती। फिर हमेशा की तरह एक धमाका होता है और सब कुछ बता देती, लग रहा था जैसे कुछ नहीं जानती थी। सोफी जी उसने मेरी मदद की और अब आप भी करें। उसने मेरे काम की हर चीज बता दी, वो भी जो मैं नहीं जानना चाहता था। मैं कहता रहा बस कर दो, लेकिन वो मुझे बताती रही। और फिर मर गई। सोफी जी मैं अब आपसे दोबारा ही पूछूंगा, आप जब भी दिल करे आप मुझे वो रोबोट दे दीजिएगा। यहां से कोई कुछ कैप नहीं कर सकता, सब बंद है। माया बस बंद करो, आखिरी बार बोलता हूं, जिधर भी हो बाहर आ जाओ। नहीं, हमें कोई तालीम नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं।
अगर तालीम नहीं चाहिए तो मेरे पास पैगाम भी है। किसने भेजा है? आधे घंटे पहले एक फोन कॉल आया था। तो ये तो हमें क्यों बता रहे? मिस्टर नवाब बावीज नाम है मेरा। ओ, तो तुम भी वहां मौजूद थे। मोहतरम दोस्तों, मैं बात प्रोटोक कर लूंगा। ये तालीम मेरा नहीं, उसी शॉप पे सड़क किनारे सिर्फ 200 रुपए मिल गया है कबाड़ी वाले से। बुरा नहीं है तो भाई काम की बात करो, अभी अपने बदबू का गोला उठाकर चलते बनो शाबाश। आया कहां? कौन आया मिस्टर नवाब? देखो, बनने की कोशिश नहीं करो, और मैं किसी इस नाम को शख्स को बिल्कुल भी नहीं जानता। ये एक तो इतना बड़ा लगत दे रहा है। आपने नवाब ऑफ लालबाग के नाम को सुना होगा? नहीं, मैंने नहीं सुना। फिर भी नवाब बहुत बड़ा लगत होता है, तो आपको नवाब बनने में क्या मसला है? क्यों इंस्पेक्टर दिले? कौन इंस्पेक्टर दिले? अब से तुम इंस्पेक्टर। तुम हो कौन? मैं टीपू सुल्तान गांव मैसूर। ज्यादा दिमाग की बत्ती मत जलाओ, बयान दो और दफा होगा। तुम्हें यहां किसने भेजा है? मोहतरम दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, दो बहुत ही बदहमाक किस्म के आदमी थे। बेचारों का हाल भी बहुत फटा और पुराना था, शायद कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे। इनमें से एक लंबा और बेडोल है, जिसे एक घरेलू सी सादा सी औरत के पास भेजा जाता है और अपना ताल्लुक उसके शौहर की दोस्त की हैसियत से निभाता है। और दूसरा जिन्ना नाका एक सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह माना जाता है। मजेदार की बात यह है कि इस तमाम प्लान की मास्टरमाइंड एक खूबसूरत और तनावदार सीना जो नौजवान भेज सकती और नहीं। माया कहाँ है? दोनों उसके प्यार में गर्क चुपके चुपके उसे देखते रहते हैं, गोया दूसरा उसे नहीं देखता। लेकिन वो चंद ही दिनों में नाकाम आशिकों से उतार कर पुलिस में नामालूम कॉल करके गायब हो जाती है और साथ ही लूटा हुआ सारा माल भी ले जाती है। वो क्या किसी ने खूब कहा, पागल से ज्यादा प्यार में कोई पागल नहीं होता। अपनी ये दास्तान लिखना बंद करो और ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम हो कौन? तो माया के लिए काम करते हो या फिर माया तुम्हारे लिए काम करती? हम सब माया के लिए काम करते हैं। तुमने कहा था ये लाखों का खेल, बात तो सच है, लेकिन माया हमें 4 लाख पहले ही दे चुकी है। वो तुम रख सकते हो। बाकी पैसे कब मिलने? कल कामयाब हुए तो पानी। लेकिन माया खुद क्यों नहीं आई यहाँ? शायद वो तुम लोगों से शर्मिंदा। कब? हम कब मिल सकते हैं उससे? कल रात सामान के साथ। तो फिर ठीक है, बात इतना आगे बढ़ेगी जब 50% रकम हमें पहले मिल जाएगी। 50%? लेकिन माया ने कहा 25% काम से पहले और बाकी काम के बाद। फिर दूसरा तुम्हें पहले अपनी छुरी काट निकाल कर मेज पर रख। अपने को चाहे जिस तरह चेक कर लो, अपने पास कुछ नहीं। अपना आहिनी पंजा निकालो। कौन सा आहिनी पंजा? वही जो तुम्हारे पैंट की राइट साइड की जेब में है। अपना उस्तरा निकालो मिस्टर नवाब। अब जो तुम्हारे पास है वो भी मेज पर रख दो। ये हसीना मुझे बचाती है। ये क्या करती? ठंडा करती है। तो इस हसीना को भी नीचे मेज पर रख दो। नहीं। क्यों नहीं? कैसे फैसला करना? इतनी जल्दी क्या है मिस्टर डिपू? मैंने सामान का बताओ। बच्चों का एक रोबोट है। रोबोट? डांसिंग रोबोट। पिछले हफ्ते तुम्हें के मायर के पास था, लेकिन अब वो कहती है कि इस फ्लैट में। यहाँ किसका? मायर की मुलाकात दुबई एयरपोर्ट में सारा शाह नामी मशहूर फोटोग्राफर से हुई और सूरत हाल से बचने के लिए उसने वो रोबोट उसे दे दिया कि वो उसे जाकर कराची में उसकी बच्ची जो चाय के अस्पताल में जेरे इलाज थी उसे दे दी। इशारा नरम दिल था तो उसने ले ली, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर आकर ये सब कुछ करता, माया खुद यहाँ पहुंच गई और रोबोट का पूछा। परेशानी की बात ये है कि उसे वो रोबोट नहीं मिल सका। मतलब वो उसे तलाश नहीं कर सके? नहीं, माया ने सालार को पूरा घर तलाश करके देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। माया को लगा कि इन सब चीजों का फायदा नहीं है तो वो यहाँ से चलेगी।
ये गतराज की बात है। रोबोट कितना बड़ा है? मतलब उसका वजन कितना है? दो पाउंड से भी कम। आधा किलो का तो म्यूजिक बॉक्स होगा। फिर भी काफी माल होगा। क्या उसमें माल असली है? कोई भी चीज खालिस नहीं होती। भी लाखों का माल होगा। माल तुमने खुद रखा है? ये तुम्हारा मसला नहीं, पहले रोबोट बाद में दूसरी बात। मेरा एक सवाल है। पूछो। अगर माल ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो फिर हम दोनों की क्या जरूरत है? माया ने आज इस टेलीफोन पर कॉल की। उसने एक मॉडर्न मिस्त्री बनकर सालार के फोटो स्टूडियो में फोटो शूट के लिए वक्त दिया। आज रात को सालार अपनी मिसेस के साथ यहाँ से 7 बजे निकला। पहले उसने अपनी मिसेस को सिनेमा घर छोड़ा, बाद में वो गया अपने स्टूडियो जहाँ वो अब तक इंतजार कर रहा। एक मिनट, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तो सुनो ना, मेरा भेजा इतना काम नहीं कर रहा। गौर से सुनो। टीकू सर, इस तरह सुनाओ जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सुन रहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माया ने यहाँ से स्वास्थ्य निकाला कि खुद आकर पूरी जगह दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो बीवी इस वक्त सिनेमा में है और शोहर स्टूडियो में एक एक्ट्रेस मिस शीरी का इंतजार कर रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। लेकिन वो आखिर वहां कितना इंतजार करे? इसका हल भी निकाल लेते हैं। साथ जब वो रात को वापस आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। एक सौ
पूछेगा कि दूसरे ने घूम कर दिया भी। जाने से पहले मेरा एक सवाल है। पूछो। माया ने तुम्हें तमाम तफसीलात बता दी कि वो कैसे कॉल करती है और अपने बारे में क्या बोला इसने और जो नहीं बताना चाहिए था वो भी। तो इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है वो चाबी कहाँ है? तुम एक सालिम एक भेड़िया जल्लाद हो। क्या हुआ? देवी क्या हुआ? यार है, इस सामान का चीज़ है, ले, खाली।
क्या कहते हो मिस्टर अजीज? तो 4 लाख था, 2 लाख अभी। ठीक है, आ काम शुरू। लेकिन जल्दी वापस आ गया, वैसे की बहन भी वहीं रहती है। ठीक है भाभी, मुझे अफसोस है कि मैं सालार तक नहीं मिल पाया, लेकिन दिल बड़ा चाह रहा था। खुदा हाफिज। अच्छा सुनिए सुनिए, अगली बार आइए तो फोन करके आइएगा, तो खाना हमारे साथ है। और हाँ, सालार से आए तो उनसे मेरा सलाम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। अजीज नवाब। अजीज नवाब जी, ठीक है मैं उनको बता दूँ।
मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके शौहर का नाम सालार शाह है, जो कि एक फोटोग्राफर है। ये तो आप देख सकते हैं अजी जी, तो मेरे और सालार की शादी का फोटो लाके दिख रही है ना। देखिए, जब मैंने उनको देखा नहीं तो पहचान कैसे सकता हूँ। मामला क्या है? दरअसल मैं मामला बताना नहीं चाह रहा था। बताइए प्लीज हमें। चलिए ठीक है, दरअसल हुआ यूं कि 3 साल पहले मेरी बीवी की मुलाकात उनसे हुई छुट्टियों में। 3 साल पहले तुम्हारी बीवी एक आदमी से मिली जी, और अब तुम्हारा बाप उसे मारने की धमकियां दे रहा है जी। लेकिन क्यों? दरअसल मेरे वालिद साहब को शक था कि उनके आपस में ताल्लुकात हैं। मैं इस इल्जाम को बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, वक्ती तौर पर मैंने भी इस इल्जाम पर यकीन कर लिया था। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने वालिद साहब को भी ढूंढने जाना है। जाओ, मेरा एक सवाल है जी, तुम यहां पे कैसे आए? क्या तुम अपने वालिद का पीछा करते हुए? कह सकते हैं तो, यानी जब आपके वालिद साहब यहाँ घर में थे, आप उनका बाहर इंतजार कर रहे थे, आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? दरअसल मैंने उस पर हासिल का पीछा नहीं किया। आप ये सब कैसे जानते हैं? दरअसल मुझे यकीन था कि मेरे वालिद साहब जो है मेरी बीवी का पीछा करते रहे होंगे, और पीछा करते करते इस फ्लैट तक आए होंगे। पिछले एक बार मेरे घर पे दावत थी, लेकिन मेरी बीवी एक सहेली का बहाना करके फोन कॉल करने लगी कि वो दुबई जा रही है और उसे कुछ देना था। इसमें मेरे वालिद साहब ने उस सहेली का नाम जानने का इशरार किया और ये भी पूछा कि वो क्या देना चाह रही है। इस पे मेरी बीवी गुस्से में आ गई और कहने लगी कि वो एक रोबोट था जो आपने तोड़ दिया। इसके बाद मेरी बीवी वहां से चले गई। रोबोट जी, यही कहा ना आपने? हाँ। क्या वो एक है? हाँ? नहीं, आपने कहा आपकी बीवी ने एक रोबोट अपनी दोस्त को दिया। बिल्कुल। जो दुबई जा रही थी जी पिछले बार। बिल्कुल। उसने उसके बनाने वाले को दे देगी जो उसकी मरम्मत कर देगा, और फिर वो उसे वहां से ले आएगी। इस पर मेरी बीवी की सहेली वहां से चले गई। फिर मेरे वालिद साहब कहने लगे कि ये वही रोबोट है जो सालार शाह ने उसे दिया है। फिर मेरे वालिद साहब भी घर से चले गए। अगली सुबह ये नोट मेरे बिस्तर पे था, जिस पे लिखा है कि वो शख्स हीरा सिटी के बेसमेंट फ्लैट में रहता है, जिसका नंबर है C15। फिर आज शीरी घर नहीं आई, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि वालिद साहब शीरी रात भर घर नहीं आई। तो मेरे वालिद साहब अजीब से हो गए, उन्होंने गाड़ी की चाबी ली और दौड़ते घर से बाहर चले गए। वो कौन घर नहीं आई? शीरी, मेरी बीवी। वो अक्सर जो है यहाँ पर आया जाया करती थी। वो फोन कर देती थी कि रात भर घर नहीं आएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या जख्मी हालत में तो नहीं है ना? नहीं, आप मुझे अभी बताएं।
कहीं नहीं जा रहा, वो दरवाजा खुला छोड़ गया, वो बंद करने जा रहा। अजीब फैमिली है, वो बड़े मियां यहाँ से चमड़े का फ्रेम लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गए। वो मेरा सारा का फोटो पुलिस स्टेशन ले गए। इंस्पेक्टर दिलीप के वो सारे सवाल के कमरा सारा कहाँ था, वो पतले होने वाली लड़की के बारे में कहीं पुलिस शक तो नहीं करेगी सालार ने उसका कत्ल किया है? सोफी हाँ, सामने रोड पर पुलिस कार खड़ी है और वो इधर ही देख रहे हैं। गाड़ी में जाता है तो मुझे फोन करके बताओगे? बिल्कुल समझ गया। अच्छा सुनो, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो तुम दो बार बेल दोगे और फोन भी रख देना। मतलब आपको सिग्नल देना ठीक है? हाँ हाँ। आंटी अगर आज ना मेरी जरूरत तो पता है आप क्या करें? आप हाँ वो ना सिंह वाला पाइप भिजवा दीजिएगा चौकस के साथ, मुझे पता लग जाएगा। कहाँ है? आई मैं दिखा दूँ, जल्दी आ जाओ।